हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द EVS क्लास स्टैंडर्ड फोर्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 3, गेम्स वी प्ले। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो गेम्स। गेम्स क्या होता है? जो हम खेलते हैं, ठीक है। गेम्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी गेम्स वी प्ले। जो हम खेलते हैं वो गेम्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। व्हेन वी वर्क ऑल द टाइम एंड हैव नो टाइम टू एंजॉय आवर माइंड बिकम्स डल। ठीक है, जब हम ऑल टाइम वर्क करते हैं और हमारे पास क्या है, एंजॉय के लिए टाइम नहीं होता है। यानी हम सारा दिन काम करें और कोई भी मनोरंजन वाली चीज़ ना करें, तो हमारा जो माइंड है वो क्या हो जाता है, डल हो जाता है। वी ऑल लव टू प्ले गेम। हम सभी को क्या है, गेम्स खेलना पसंद होता है। वी प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एवरी डे। और हमें अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं हर दिन, कभी कोई दूसरा, कभी कोई दूसरा। व्हेन वी प्ले गेम्स वी रिलैक्स अवर माइंड। जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा माइंड कैसा हो जाता है, रिलैक्स। यानी हमारे जो दिमाग है उसको आराम पहुँचता है। द फन दैट वी हैव इन आवर फ्री टाइम इज नोन एज रिक्रिएशन। यानी द फन, यानी ये मज़ा जो हम क्या है अपने फ्री टाइम में करते हैं, यानी जब हम खाली समय में जो मज़े करते हैं वो क्या कहलाता है, रिक्रिएशन, यानी मनोरंजन कहलाता है। गेम्स, म्यूजिक प्रोग्राम्स, पपेट शो एंड फेयर्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। तो जो गेम्स होते हैं या म्यूज़िक प्रोग्राम होते हैं, यानी खेल होते हैं, और जो भी म्यूज़िक प्रोग्राम है या पपेट शो, आपने देखा होगा जो पुतली बनाकर शो दिखाया जाता है वो, और मेले, ये सब क्या है, हमारे रिक्रिएशन एक्टिविटी के अलग 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 टाइप्स हैं ये। यानी इनके ज़रिए हम क्या कर पाते हैं, अपना मनोरंजन कर पाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प अस टू रिफ्रेश अवर माइंड। ये एक्टिविटी क्या करती है, हमारे माइंड को रिफ्रेश करती हैं, ठीक है, यानी ताजगी पहुंचाती हैं। दे गिव्स अस अ न्यू एनर्जी टू गो टू बैक टू अ वर्क अगेन। और इनसे क्या है, हमारा जो माइंड है उसको क्या है, एक नई एनर्जी मिलती है दोबारा से काम करने के लिए। यानी अगर हम इन्जॉय नहीं करेंगे तो हमारा क्या है, मन ऊब सा जाएगा, यानी दोबारा काम करने का मन नहीं करेगा। तो जब हम क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारा इन्जॉय होता है, तो फिर हमारा काम करने में दोबारा मन भी लग जाता है। अब गेम्स कौन कौन से होते हैं, चिल्ड्रन लव टू प्ले गेम्स दैट चिल्ड्रन प्ले इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इनडोर गेम्स। चिल्ड्रंस को क्या है, प्ले गेम प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। यानी बच्चों को खेलना क्या अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो गेम होते हैं जो बच्चे अंदर खेलते हैं घर के, यानी जो घर के अंदर खेले जाते हैं गेम्स, वो क्या कहलाते हैं, इंडोर गेम्स। सम इंडोर गेम्स आर लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, कैरम एंड चेस। तो कुछ जैसे घर के अंदर कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, जैसे कि लूडो है और सांप सीढ़ी का है और कैरम चेस का है, ये सारे गेम क्या है, इंडोर गेम्स होते हैं। यानी घर के अंदर जो गेम्स खेले जाते हैं वो कौन से होते हैं, इंडोर गेम्स। गेम्स दैट चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। और ऐसे गेम्स जो क्या घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स हेल्प द चिल्ड्रेन यूज देयर एनर्जी। आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो चिल्ड्रेन को क्या करते हैं, एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। यानी जो हम बाहर जो गेम खेलते हैं तो उससे बच्चों की क्या है, एनर्जी यूज होती है और उनके अंदर एक नई एनर्जी आती है। सम आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी एटसेट्रा। कुछ आउटडोर गेम कौन कौन से होते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी वगैरह। इन दिस वे चिल्ड्रेन ऑल्सो गेट अ चांस टू मीट देयर फ्रेंड।
और इसी बहाने से क्या है, बच्चे अपने फ्रेंड्स से मिल लेते हैं, यानी सभी बच्चों को अपने मित्रों से मिलने का, दोस्तों से मिलने का टाइम भी मिल जाता है, यानी खेलने के बहाने हम अपने दोस्तों से भी मिल पाते हैं। रूल्स ऑफ गेम, अब गेम्स के कुछ नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। एवरी गेम हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, हर एक गेम का अपना एक रूल होता है, अपना एक नियम और एक सीमा होती है, रेगुलेशंस होते हैं कि क्या बात किसको फॉलो करना है। वी शुड नो द रूल ऑफ द गेम्स बिफोर वी प्ले इट, हमें क्या है, जो भी गेम खेल रहे हैं उसे खेलने से पहले उसके रूल जान लेने चाहिए। रूल्स हेल्प अस टू प्ले गेम इन द प्ले ग्राउंड, रूल्स से क्या है, हमें प्ले ग्राउंड खेलने में मदद करता है, यानी अगर हम रूल्स को जानते होंगे तो हम सभी के साथ खेल सकते हैं। द कोच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम, जो कोच होता है गेम का वो क्या है, हमें सारे नियम जो भी हैं वो सिखाता है, समझाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम टू अवॉइड फाइट्स, और ये सबसे महत्वपूर्ण रूल होता है मानने के लिए कि गेम्स के अंदर क्या है, जो फाइट है वो नहीं करनी चाहिए, यानी लड़ना नहीं चाहिए। एंड टू प्ले इन अ फेयर मैनर, और एक सही तरीके से खेलना चाहिए। वी कैन प्ले अ फेयर गेम बाई डूइंग द फॉलोइंग, हम एक अच्छा गेम तभी खेल सकते हैं जब हम इन नियमों को मानेंगे। अब ये नियम है क्या, अब देखिए, सबसे पहला है इसमें, सम टाइम वी डू हैव आर्ग्यूमेंट्स व्हेन समबडी चीट ड्यूरिंग प्ले, यानी जब हम खेल रहे होते हैं तो खेलते समय अगर कोई क्या कर जाता है, चीटिंग कर जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे आर्ग्यूमेंट करते हैं, यानी बहस करने लग जाते हैं। अब जब बहस करने लग जाते हैं तो हो सकता है हमारी फाइट भी हो जाती है, तो क्या है, हमें अगर कोई चीट कर रहा है, वी शुड नॉट टेक अप आर्ग्यूमेंट एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हमें क्या है, किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए और हमें गेम्स के नियमों के अनुसार उसे ही फॉलो करना चाहिए। यानी आप गेम खेल रहे हैं और किसी ने चीटिंग कर दी तो उसमें आप उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, आर्ग्यूमेंट में ही ऑल टाइम निकल जाता है और हम गेम नहीं खेल पाते हैं। तो अगर हमें अच्छा गेम खेलना है, यानी कंटिन्यूस खेलना है, तो हमें क्या करना होगा, किसी से कोई बहस नहीं करनी चाहिए। व्हेन वी प्ले गेम्स लाइक कबड्डी वी कैन गेट इंजर्ड, ठीक है, जब हम कबड्डी खेल जैसे गेम खेलते हैं तो हम क्या हो, हमें क्या है, चोट लग सकती है। वी शुड नॉट पुश और हर्ट एनीवन व्हाइल प्लेइंग, तो हमें क्या है, किसी को भी धक्का नहीं देनी चाहिए या किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए जब हम ऐसे गेम खेल रहे हों। When somebody breaks the rules, we should not fight or quarrel. जब कोई क्या है नियमों को तोड़े तो आपको क्या है उससे लड़ना या झगड़ना नहीं चाहिए। We should not use bad language while playing, और कोई भी भद्दी भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी गंदा नहीं बोलना चाहिए किसी से भी, चाहे कोई चीटिंग ही क्यों ना कर रहा हो। We should respect the decision of the referee, हमें क्या है, रेफरी जो होता है, जो डिसीज़न लेता है, उसके जो डिसीज़न है, यानी उसने जो निर्णय लिया है उसका सम्मान करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम सून एंड री स्टार्ट द गेम, और जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी ही शॉर्ट आउट यानी सुलझा लेना चाहिए और गेम्स को दोबारा से स्टार्ट कर लेना चाहिए। प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेक अस डिसिप्लिन, ठीक है, अगर हम क्या है कोई भी गेम है उसको रूल्स के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं तो इससे क्या आता है, हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है, यानी हमारे अंदर अनुशासन आता है, तो हमें क्या है अनुशासन में रहकर एक अच्छा गेम खेलना चाहिए। यानी अगर हमें अपने गेम को अच्छा बनाना है तो ये सारे रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, यानी किसी को और जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहिए, उसे धक्का नहीं देना चाहिए, और कोई चीट कर रहा है तो उससे बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि रेफरी को बताना चाहिए, और जो रेफरी है अगर वो डिसीज़न लेता है और आपको रॉन्ग लग रहा है तो उससे क्या है आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम रेफरी से ही आर्ग्यूमेंट करेंगे तो फिर वो डिसीज़न नहीं ले पाएगा, इसलिए हमें क्या है जो भी प्रॉब्लम है
वो आराम से सुलझा लेनी चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे गेम्स के कि किस टाइप के होते हैं और किस कौन कौन से रूल्स हमें गेम्स में फॉलो करने चाहिए।